सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये सबसे खराब कंडीशन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां जिस जिले में सिर्फ और सिर्फ भाजपा के 3 विधायक बचे हों, तो ऐसे कंडीशन में बीजेपी कैसे जीतेगी इस लोकसभा को। कि 2022 के विधानसभा परिणाम में हरिद्वार जिले की खराब कंडीशन होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ही लोकसभा में जीत रही है। आपको मालूम है कि पूरे हरिद्वार लोकसभा में कितनी विधानसभाएं हैं, तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हरिद्वार लोकसभा के अंतर्गत 14 विधानसभाएं आती हैं। लेकिन आपके जिले में कितनी विधानसभाएं हैं हरिद्वार जिले में? तो जिले हरिद्वार में टोटल 11 विधानसभाएं हैं। लगभग अगर 2017 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें, तो 2017 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार जिले में भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक थे और कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक। और अगर हम इसी में 3 विधानसभाओं को ऐड कर देते हैं, धर्मपुर, ऋषिकेश और डोईवाला, तो उस कंडीशन में हरिद्वार लोकसभा में भाजपा के पास 11 विधायक और कांग्रेस के पास 3 विधायक थे। इस आधार पर अगर हम और आगे फॉरवर्ड करते हैं, ये बात हम आपको बता क्यों रहे हैं, ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि आखिर विधानसभा में विधायकों के कम और ज़्यादा होने से क्या अंतर होता है, क्या पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट्स होता है बीजेपी और कांग्रेस के जीतने की, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कितनी है और किस तरीके से है। अगर हम 2017 के विधानसभा चुनाव के परिणाम की बात करें, जैसा हमने आपको बताया कि रुड़की, ज्वालापुर, हरिद्वार, हरिद्वार ग्रामीण, लक्सर, रानीपुर, झबरेड़ा, खानपुर, इन सभी विधानसभाओं के विधायक हरिद्वार जिले के अंतर्गत आते हैं और जिन्हें जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते थे। और साथ में अगर हम देहरादून जिले के 3 विधानसभाओं का जिक्र करें, ऋषिकेश, डोईवाला, धर्मपुर, ये जो 3 विधानसभाएं हैं, इन 3 को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये पूरी लोकसभा बन जाती है। अब ये भी भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे, 3 विधायक कांग्रेस पार्टी के। और अगर हम इनके वोटों के शेयर्स को हम काउंट करें, वोटों के शेयर्स को जोड़ें कि भाई बीजेपी ने या बीजेपी के विधायकों ने कितने वोट लिए, या बीजेपी को कितने वोट मिले, कांग्रेस को कितने वोट मिले, बीएसपी को, रदर्स को, तो आप समझ पाएंगे कि पूरी लोकसभा में कितने वोटों का अंतर था विधानसभा चुनाव के अंतर्गत। बीजेपी को जो टोटल वोट मिली अगर आप पूरे जोड़ेंगे तो 587,996 वोट, कांग्रेस को मिली 417,748 वोट और बीएसपी को मिली 177,633 और अदर्स को मिली 106,756 वोट। अगर आप उस विधानसभा यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में भी इन 14 विधानसभाओं को जोड़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि 1,00,000 इसको क्या करेंगे आप, इसको आप एक बार घटाइए तो आपको समझ में आएगा। इसमें से ये घटा दीजिए, कौन सा बड़ा नंबर हो गया, बड़ा नंबर हो गया ये, तो इसमें से अगर आप घटाएंगे तो आपको जो वोट मिलेगा 1,00,000, देखिए 1,70,248 वोटों का डिफरेंस है। यानी कि बीजेपी पूरी लोकसभा में 2017 का अगर आप जोड़ें, एक्युमुलेट करें, तो 1,70,248 वोट ज्यादा लेकर के आई थी। शायद यही कारण रहा होगा कि जब हम 2019 के चुनाव में जाते हैं तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक एक भारी भरकम मात्रा में वोट लेकर के आते हैं, क्योंकि विधायकों की संख्या उसमें ज्यादा थी, ऐसा कहा जाता है नॉर्मली। तो हम आते हैं भाई 2022 के विधानसभा चुनाव में। अब सबसे बुरी कंडीशन भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या थी, 2022 का विधानसभा चुनाव जिसमें 8 विधायक हरिद्वार जिले से हटते हैं, मात्र रह जाते हैं 3 विधायक। जी हाँ, 3 विधायक रह जाते हैं, 3 विधायक भाजपा के रह जाते हैं, कांग्रेस के 5, बसपा के 2, निर्दलीय 1। लेकिन अगर आप विधानसभा 14 ले लेते हैं, 14 विधानसभा ले लेते हैं, हरिद्वार लोकसभा की हम बात करते हैं, तो भाजपा विधायक 6 हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि धर्मपुर, ऋषिकेश, डोईवाला के विधायक बीजेपी के ही थे जीते हुए अभी भी 2022 में भी। कांग्रेस विधायक 5, बसपा विधायक 2 और निर्दलीय विधायक 1। इससे वर्स्ट कंडीशन, सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये सबसे खराब कंडीशन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां जिस जिले में सिर्फ और सिर्फ भाजपा के 3 विधायक बचे हों, तो ऐसे कंडीशन में बीजेपी कैसे जीतेगी इस लोकसभा को। तो क्या कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव को जीतेगी, सवाल यह है। तो पूरे हम लोकसभा की अगर हम चर्चा करें तो हमने क्या किया, हमने इन सभी 14 की 14 विधानसभाओं के रिजल्ट्स, नतीजे फिर से आपके सामने रख दिया। अब जरा इसे जोड़ते हैं तो क्या परिणाम निकलता है। देखिए, बीजेपी रुड़की के विधायक, हरिद्वार के विधायक, रानीपुर के, ऋषिकेश, धर्मपुर, डोईवाला, इन 6 विधायक हो गए भारतीय जनता पार्टी के। आप वोटों के अंतर से, शेयर से आप देख सकते हैं। और उसके अलावा कलियर, ज्वालापुर, भगवानपुर, हरिद्वार ग्रामीण और झबरेड़ा, ये सभी हो गए कांग्रेस के विधायक। मंगलौर और लक्सर,
बसपा के विधायक, खानपुर निर्दलीय विधायक। अगर आप इस कंडीशंस को समझने की कोशिश करेंगे वर्स्ट कंडीशन में, तो भी सबसे अधिक जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो ये, तो भी मतलब इतना खराब कंडीशन होने के बावजूद भी हमने जब जोड़ा तो ये समझ में आया कि बीजेपी के पास 542,661 वोट मिले 2022 के विधानसभा चुनाव में, टोटल इतने वोट मिले अगर हम लोकसभा को जोड़ देते हैं तो, और कांग्रेस को मिला 504,411, बीएसपी को 197,691 और अदर्स को 154,499। तो ऐसे कंडीशंस में ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना हो गया, ये डिफरेंस हो गया 38,250 भाई। इस समय भी बीजेपी जीत गई। सबसे बड़ी चीज समझिए आप कि 2022 के विधानसभा परिणाम में हरिद्वार जिले की खराब कंडीशन होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ही लोकसभा में जीत रही है। यह जो कैलकुलेशन है पूरी गणना के आधार पर है, आप भी इसको जोड़ करके देख लीजिएगा कि जो वोटों का डिफरेंस है महज कम है, बहुत कम आ गया, 38,250 वोटों का डिफरेंस आ गया मात्र। अब जिम्मेदारी जो बनेगी वो ज्वालापुर, कलियर, भगवानपुर, हरिद्वार, ग्रामीण और झबरेड़ा के विधायक जो कांग्रेस के हैं, क्या वो अपने वोटों को कंट्रोल कर पाएंगे, क्या अपने वोट वो कंट्रोल कर पाएंगे, और जो लोग जो ऑलरेडी इस विधानसभा के विधायक थे क्या वो फिर से री कर पाएंगे। अगर वो री कर पाते हैं तो ठीक, नहीं कर पाएंगे री तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन सबसे वर्स्ट कंडीशन माना जा रहा था 2022 का, और वर्स्ट कंडीशन होने के बावजूद भी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 38,250 वोटों से जीत रही है। तो इस वक्त दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए, कि कौन सबसे अधिक वोट लेकर के आ पाता है, कौन इस लोकसभा का सांसद बनता है। वर्स्ट कंडीशन में भी हमने आपको बताया बीजेपी जीत रही है, और नॉर्मल जो कंडीशंस थी जो बीजेपी के लिए हमेशा फ्रूटफुल, 2017 का विधानसभा चुनाव फ्रूटफुल ही थी तो बीजेपी जीती थी, 19 में बीजेपी जीती, तो 24 में आपके हिसाब से अंजाम क्या होगा, हमने सोचा आपको ये आंकड़ा दे दें। आंकड़े में भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन अगर कांग्रेस के विधायकों ने मेहनत कर दी या उस विधानसभा में फिर से कांग्रेस पार्टी को उतने ही वोट मिल गए तो मामला टक्कर का हो सकता है। लेकिन अगर उतने ही वोट नहीं मिलते, चूंकि क्या होता है कि चुनाव अगर विधानसभा का है तो वोट देने की टेंडेंसी बदलती है, और लोकसभा का चुनाव है तो वोट देने की टेंडेंसी बदल जाती है। विधानसभा चुनाव थोड़ा सा लोकल मामले को लेकर के हो जाता है, और लोकसभा का मामला थोड़ा सा नेशनलिज्म और नेशनल इश्यूज को लेकर के हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में वोटर्स अपनी मानसिकता को बदल देते हैं और पार्टी वाइज, प्रधानमंत्री वाइज चीजें करते हैं, यानी वोटिंग देने का जो तौर तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। तो उस बदलाव में भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट होगा या कांग्रेस को, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन वर्स्ट कंडीशन में भी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अगर कांग्रेस पार्टी के विधायक जोर लगा के अपने विधानसभा से अपने वोटिंग परसेंटेज को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं तो बीजेपी के लिए खतरा है, और वो बढ़ा नहीं पाते, घट जाता है तो बीजेपी तो फिर निकल जाएगी। अब देखना यह होगा कि कौन सबसे अधिक मेहनत करता है। दोस्तों ये रिजल्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो हमने सोचा आपको हम बता देते हैं। और ये जो चेहरे हैं, इन चेहरों को तो आपको याद होगा, द न्यूज ऑन नेटवर्क ने साफ तौर पर कहा था हरिद्वार लोकसभा से संबंधित हर एक इंफॉर्मेशन देंगे, और आज 18 तारीख है, हम आपको पूरी डिटेल दे रहे हैं कि भाई पूरी डिटेल हम आपको लगातार देते चले आए, हरिद्वार लोकसभा से संबंधित हर एक इंफॉर्मेशन देते चले आए। आज आप हमें जरूर बताइए कि आखिर विजेता कौन होगा। दोनों कंडीशंस में आपको बताया, विधानसभा लोकसभा के पर्सपेक्टिव सारे डेटा हम आपको दे चुके हैं। विजेता कौन होगा, क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत जीतेंगे, वीरेंद्र रावत जीतेंगे, जमील अहमद जीतेंगे या उमेश कुमार जीतेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आप बताइए। आप बताइए कि कौन बनेगा सांसद और किसकी आएगी सरकार, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए हमें।